फ्रेंड्स, हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में डीए यानी महंगाई भत्ते में 3% की जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद एरियर के भुगतान के लिए हुए आदेश जारी। याद रहे, लंबे समय से चली आ रही कर्मचारी संगठन की मांग, 18 माह बकाया एरियर भुगतान को लेकर बड़ी अपडेट। जनवरी फरवरी माह के एरियर के साथ मिलेंगे 58,038 रुपये, मार्च सैलरी के साथ भुगतान। अभी अभी फिटनेस फैक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी से कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में होगी 8,000 रुपये तक की जबरदस्त बढ़ोतरी। याद रहे, फिलहाल 2.57% के हिसाब से कर्मचारी फिटनेस फैक्टर के हिसाब से वेतन मिल रहा है, उसे बढ़ाकर 3.68% करने पर वेतन में बड़ा उछाल। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। इससे पहले सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज लेटेस्ट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों संबंधी अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस महीने की सैलरी के साथ मिलेगा 58,038 रुपये का एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों की एक बार फिर खुशखबरी मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी हुई है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 3% की डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, यानी अब कर्मचारी को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। आइए जानते हैं अधिकतम और न्यूनतम बेसिक सैलरी पर एरियर का कैलकुलेशन। गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख से ज्यादा पेंशनर को फायदा होगा। इसके बाद अब अगले महीने के भत्ते की गणना जुलाई 2022 में की जाएगी। 3% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कुल डीए 34% हो गया है। अब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 73,140 रुपये होगा, लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 64,080 रुपये का होगा। 18 माह एरियर व फिटनेस फैक्टर को लेकर आई बड़ी जबरदस्त अपडेट। चूंकि अभी हाल ही में सरकार ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है, सूत्रों की माने तो डीए भुगतान से सरकार पर काफी वित्तीय भार पड़ा है, जिसके कारण अभी 18 माह बकाया डीएर का भुगतान व फिटनेस फैक्टर बढ़ाने में देरी हो सकती है, मगर जल्दी सरकार खुशखबरी देगी।